एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। विल टेक 5 cards। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर दिया होता है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। 5 card एंजल्स। ओके, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, वी हैव मजिशियन। मजिशियन के बाद वी हैव हाई प्रीस्टेस, जय मां शक्ति। काहे रुष्ठौ का भल, माता के साथ यहां पर डेथ का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी इज इंटेंस, हैवी है थोड़ा। 2 more cards। इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। 1 more card, हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक से। अच्छा, ये कुछ कार्ड्स उल्टे हैं। सो वी हैव टेम्परेंस, जय प्रभु। सो यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग साइन बता देती हूँ। वी हैव सेजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। और एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी हैवी है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जब आती है तब आपके पार्टनर का जो मूड है वो हिला हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं। मूड स्विंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, जैसे ज़िद पे आ गए तो ख़त्म कर डालेंगे रिलेशन, ऐसी वाली एनर्जी है, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग की वाइब्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा आ रही है रिसेंटली 2-3-4 दिन से, क्योंकि 10-10 पोर्टल कार्मिक साइकिल्स के एंडिंग का पोर्टल है, तो 9-9 से ही एनर्जी हैवी है और 10-10 पे एक्सट्रीमली हैवी होगी। तो बहुत सारे यूनियंस तो होंगे ही क्योंकि आपके पार्टनर खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, लेकिन इस टाइम पे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा आपके पार्टनर को। मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा मतलब, जैसे कई बार होता है कि माँ ने बच्चे को कह दिया कि अरे बेकार लड़की है, कुंडली नहीं मिलेगी, कुंडली मिलेगी तो ही बात आगे बढ़ेगी, या अच्छा चलो मिलवा दो, मिलवा दिया, उसके बाद 50 अवगुण निकाल दिए, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है, बहन 4 लाइन और ऐड करके बोल दी, भाई ने और 4 लाइन ऐड कर दिया, नहीं नहीं ये तो हमारे घर में एडजस्ट नहीं होगी, अरे इसके अंदर ये खामियाँ थी, वो खामियाँ थी। लड़के से मिलवा दिया तो पिता या भाई या बहन मिलके बहुत सारी खामियां निकाल दें, तो इससे क्या होता है चीज़ें फिर मैनिपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ठूस दी जाती हैं, फिर इंसान को लगता है अरे कहीं मैंने गलत पार्टनर तो नहीं पसंद कर लिया अपने लिए। तो ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। इस टाइम पे कोई इनको बहका नहीं पाएगा, कोई इनको फुसला कर अपना काम नहीं निकाल पाएगा इस टाइम पे। ना आप इनको फुसला सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से, कि हाँ प्यार से आपको आपने कुछ बोल दिया और वो मान जाए, ऐसा नहीं है। इस टाइम पे ये सिर्फ अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, और अगर इनकी इनर वॉइस ने कह दिया ख़त्म तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गई, फिर ये किसी और का मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर्स हैं इस टाइम पीरियड में। आज मैंने माइक को टेबल में ही चिपका दिया है क्योंकि मैं माइक सहित उठ जाती हूँ कई बार, पूरा ट्राइपॉड वाइपॉड लेकर सब धड़ाम हो जाता है, इसलिए मैंने माइक को टेबल में ही लगा दिया आज, और मैंने चेक किया आवाज़ ठीक ठाक आ रही थी। सो माइक को टेबल में ही लगा देना ज़्यादा समझदारी है। लेट्स चेक इट आउट, ऑल द कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। मजिशियन को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। मैंने कहा ना कि फैमिली मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन आपके पार्टनर को कर नहीं पा रही मैनिपुलेट। वी हैव एम्परर एंड 3 of Pentacles। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके, चाहे बहुत ज़्यादा प्यार से,
चाहे बहुत ज़्यादा इमोशनली कैसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है दो कार्ड्स ने, एस ऑफ कप्स विद नाइन ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अपने प्यार को चुनने के लिए ही बिल्कुल सजग है, ये और सफ़र नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब बस हो गया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनूंगी या सुनूंगा और अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करूं। ये सफरिंग में नहीं रहना चाहते। क्या ख़त्म करने की वाइब्स है, चेंज, कैसा चेंज है ये, मूविंग ऑन फ्रॉम वन सिचुएशन। ये रोज़ रोज़ की खिटपिट से बाहर निकल जाना चाहते हैं, कुछ कड़क डिसीजंस लिए जाएंगे आपके पार्टनर के द्वारा, अपनी हैप्पीनेस को चुनना चाहते हैं और कंप्लीट होना चाहते हैं। ये यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली इस टाइम पे नहीं मानती है तो आपके पार्टनर मूव ऑन कर लेंगे उन सिचुएशन से जो लोग नहीं मान रहे हैं। डेविल को क्लैरिफाई कर दें, डेविल को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। इस टाइम पे जिद में है, आउट ऑफ बाउंड्री जाकर, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ ट्रेडिशंस, जो इनको ठीक लगेगा वो एक्शन ये ले सकती हैं या ले सकते हैं। हैंगमैन, ये अटकी वाली सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, नो मोर अटकी सिचुएशंस। ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आने वाली वाइब्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्या बैलेंस क्रिएट होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में, बिल्कुल होगा। आपके पार्टनर पहले तो फियरलेस होकर बाहर निकलेंगे कंफ्यूजन से, आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट में आएंगे और प्लान कर रहे हैं फॉर यूनियन। सो टेम्परेंस को टू ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, भगवान करें, महादेव करें, शिव शक्ति की तरह आपका रिलेशनशिप भी हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे और आप लोगों को ब्लेसिंग्स रिसीव हो। लेकिन एनर्जी हैवी है गाइस, एनर्जी इज इंटेंस, वेरी इंटेंस। जय प्रभु। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? तो माइक पर ही जा रहे हो जानबूझ के, करंट फीलिंग्स पहला कार्ड वेरी सून, और बताएं। सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, ये तो पहली फीलिंग्स ही निकल कर आ गई है। जो भी लोग सेपरेशन में हैं उनका सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। यूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर माफ़ी भी मांग सकती हैं या मांग सकते हैं इस टाइम पीरियड में। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे ये मत सोचो कि क्या होगा बाकी लोगों का, अगर अगर यूनियन में आना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले अपने बारे में सोचो, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करो। आज के टाइम में अपने लिए अगर आप सही तरीके से स्टैंड नहीं ले पाओगे तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आप ज़िंदगी भर किसी के दबाव में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। किसी ने कह दिया साइंस लेना है, कॉमर्स नहीं लेना है, तो आपने कॉमर्स ना लेकर साइंस ले लिया और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वहीं से पहली चीज़ें शुरू होती है, साइंस या कॉमर्स, साइंस या कॉमर्स, है कि नहीं, कमेंट में बताना। कई लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि नहीं, मुझे तो सीधा कॉमर्स में ही जाना है, साइंस तो भूल ही जाओ। इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं है, हो सकता है उनका परसेंटेज अच्छा हो, उनको साइंस इजीली मिल जाए, बट कई लोग प्रेफर करते हैं कॉमर्स कि नहीं मुझे तो बिज़नेस करना है या मुझे तो अकाउंट्स में जाना है, मुझे साइंस लेना ही नहीं है। और कई लोगों को प्रेशर देकर इधर उधर किया जाता है।
कोई साइंस लेना चाहता है उसको कॉमर्स में डाल दिया, कोई कॉमर्स लेना चाहता है उसको साइंस में डाल दिया, वहीं से प्रेशर शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या करो, ये परीक्षा दो, वो परीक्षा दो, इंटरेस्ट है या नहीं है, बट ये दो वो दो, ये दो वो दो। कई लोगों का कॉन्सेप्ट बचपन से ही क्लियर होता है कि नहीं हमें तो बड़े होके यही करना है ना। मैं जब छोटी थी तो मुझसे लोग पूछते थे तो बड़े होके क्या करेगी, तो मैं दो चीज़ें बोलती थी, तीन चीज़ें बोलती थी। पहला, मुझे खाने का बड़ा शौक था, तो मैं बोलती थी कि मुझे होटल खोलना है। होटल बोलने भी नहीं आता था, तब की बात है, तो मुझे होटल खोलना है। और दूसरा, मैं उड़ना चाहती थी हमेशा, फ्लाई करना चाहती थी बचपन से। मेरी आप फ़ोटोज़ भी देखेंगे, मेरी बचपन की फ़ोटोज़ में मैं हमेशा परियों वाले ड्रेसेस ख़रीदती थी और पहनती थी, जिसपे स्नेक्स बने होते थे, एंजल्स बनी होती थी, फेदर्स बने होते थे। बचपन से ही पता नहीं कैसे मेरी चॉइसेस थी ऐसी, जबकि उतने छोटे बच्चे को तो माँ बाप ही खरीद के पहनाते हैं, बट मैं हमेशा से फेरीज़ वाले ड्रेसेस ही पहनती थी। तो मेरा मन था उड़ने का, तो मैं बोलती थी मैं एरोप्लेन में ड्राइव करूँगी, मैं पायलट बनूँगी। और तीसरा मेरा था कि मैं पूजा करूँगी, तो सब लोग कहते थे कि तू क्या पंडित बनेगी बड़े होके, तो सब लोग कहते थे हाँ ये पंडित बनेगी। तो कई लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत छोटी उम्र से ही क्लियर हो जाता है, और कई लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं या प्रेशर में होते हैं, उनका मन है कुछ और करने का, बिजनेस करने का या फोटोग्राफी करने का या ट्रैवल करने का, बट उनको कहा जा रहा है कि नहीं तुझे तो ये प्रिपरेशन करनी है, 10 साल 5 साल पढ़ के तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो इंसान को हमेशा ओपन माइंड रखना चाहिए। यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको यही बताना चाह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में ये है कि बहुत दबाव सह लिया, अब वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, है ना। ये नहीं कि आपके पार्टनर रेडी हैं और आप ही रेडी नहीं हैं, कि नहीं नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते अपने पर्सन को कि तूने साथ नहीं दिया। वो तो कह देगा कि यार मैं तो साथ दे रहा था, तू रेडी नहीं हुई या रेडी नहीं हुआ। तो कई लोगों की प्रॉब्लम यह है कि एक पार्टनर रेडी है, दूसरा रेडी नहीं है, और जब तक दोनों रेडी नहीं होंगे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का फीलिंग में ये है कि कीप एन ओपन माइंड, जो होगा देखा जाएगा, ये वाली माइंडसेट में रहिए। अगर आप सबको खुश करते चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ में आगे बढ़ना। और क्या बताना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स की भी मदद ली जा सकती है। इस टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कन्विंस नहीं हो या ये कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो कुछ दोस्तों की मदद ली जाए, उनकी मदद से आगे बढ़ा जाए कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई मुश्किल घड़ी आई तो क्या कोई सपोर्ट सिस्टम है आपका, कोई बैकअप है। फैमिली इशूज़ से ज़्यादातर लोग परेशान हैं, या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली। करंट फीलिंग्स में आपसे ये सारी चीज़ें आपके पर्सन डिस्कस करना चाह रहे हैं। और लास्ट है कि इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो इनके लिए बने हो, या इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई और है नहीं जो इनका वो होगा। बहुत प्यार करते हैं आपसे। कॉलिंग इन योर सोल मेट, दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक, जो इसको डबल कन्फर्मेशन दे रहा है, दिस कुड बी द वन, यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी, ये वाली सिचुएशन है। तो करंट फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं, आपके पर्सन की जो दिल की भावनाएँ हैं उसमें बहुत जल्दी ही आपसे सेपरेशन को एंड करके मिलना चाहते हैं, पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब जो होगा हम दोनों देखेंगे, किसी और पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना हमें, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। फैमिली इशूज़ के कारण ज़्यादातर लोगों की ये पार्टनर परेशान है, कुछ दोस्तों की मदद भी वो डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन दोस्त है जो हमें मदद कर सकती है या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। इस तरह की फीलिंग्स निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन, पहले जो कांटेक्ट में हैं उनका देखते हैं, जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में हैं एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को बहुत जल्द, कमिटमेंट की वाइब्स है।
पावरफुल डिसीजंस आपकी तरफ आ सकते हैं। 6 नंबर देंगे एंजल्स, 6 नंबर। नहीं दिया एंजल्स ने 6 नंबर, कोई बात नहीं। 7, 8, 9 दे दिया, मैं 7, 8, 6 मांग रही थी। क्राउन एंड रूट क्यों आया है, ब्लॉक है या हील्ड है? जिनका हील्ड होगा उनके साथ जस्टिस होने वाला होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कमिटमेंट से रिलेटेड, और जिनके ब्लॉक होंगे वहां पर आपको ट्रिगर मिलेगा। तो इससे आप समझ जाना कि आपका रूट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा हील है या ब्लॉक है। वैसे साइंस और सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं वीडियो में, फिर भी इन जनरल बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए फ़िलहाल 24 घंटे की जो एनर्जी है इसमें शादी की कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलेगी। शादी के साथ साथ कमिटमेंट की एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की वाइब्स है। शादी से रिलेटेड बातचीत आपके पार्टनर घर में कर सकते हैं और ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अगर किसी का ब्लॉकेज होगा तो ही नेगेटिव एनर्जीज का असर आपको दिखेगा, अदरवाइज आपके फेवर में है एनर्जीज। जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, हैंगमैन की एनर्जी है। ब्लॉकेज के कारण आपसे बातचीत नहीं हो रही। अगले 4 दिन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम 22 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। ब्लॉकेज है तो क्या होगा? अगर ब्लॉकेज है तो फियर रहेगा, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, फियर के कारण बातचीत करेंगे और फिर पीछे हट जाएंगे, ऐसी वाइब्स है। 9, 9 क्यों आया है? मूविंग ऑन, लोग समाज सोसाइटी एंड फैमिली इनके चक्कर में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है। अगर ये आने वाले 4 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर उन सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं तो आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। क्या ये मूव ऑन कर पाएंगे? जैसा कर्म है वैसा आपको एक्शन देखने मिलेगा। यहाँ कर्म आ गया, दैट इज़ शनि सैटर्न एनर्जी। तो जिसका जैसा डेस्टिनी होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स इस टाइम पे दिखेंगे आपको। मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी का कार्ड आ गया क्लैरिफिकेशन में। अथॉरिटी बताती है कि किसी के पास अथॉरिटी रहेगी तो वो कुछ भी कर सकता है, या अगर वो अथॉरिटेटिव है तो वो कुछ भी कर सकता है ना? तो यहाँ पर अथॉरिटेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपके लिए 40 आवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, फॉलो द साइंस। पर्जिंग प्रोसेस, राइज अबव। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। तो गाइस पहला जो मैसेज है यहाँ पर, दैट इज़ फॉलो द साइंस। साइंस को फॉलो करें। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम साइंस को हम कैसे जज करें, कि हमें तो बहुत सारे साइंस दिखते हैं, हमें तो बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, तो हम कैसे जाने कि इन नंबर्स का मतलब क्या है? देखिए, जब एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। एंजल्स खुद काफ़ी हैं आपको गाइड करने के लिए, और जब वो गाइड करते हैं तो वो इतना क्लियर कट मैसेजेस देते हैं कि आपको किसी और से एक शब्द भी पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एंजल्स के साथ अलाइनमेंट में होंगे तो एंजल्स आपको मैसेजेस देंगे, गाइड करेंगे। जो लोग आपको लिख कर दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं,
ये एंजल नंबर के बारे में, ये इसके बारे में, ये साइन के बारे में। ज़रूरी नहीं कि जो उनको गाइडेंस मिली वो आपसे भी रेजोनेट करे, है ना। ज़रूरी नहीं कि एंसेस्टर्स उनके उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे थे वही चीज़ आप पर भी लागू हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वो एंजल्स की साइन होगी तो वो आपको क्लैरिटी के साथ मिलेगी और वो आने वाले 15 डेज के अंदर क्लियर हो जाएगी एनर्जीज़। आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि अच्छा, इसके लिए मुझे ये वार्निंग दी जा रही थी या इसके लिए मुझे ये गाइडेंस दी जा रही थी। और एंजल्स छोटी मोटी एनर्जीज़ को गाइड नहीं करते, वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम गाइड करते हैं। बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल 360 डिग्री का, तो एंजल्स आपको गाइड करेंगे। कई लोग होते हैं बहुत सारे नंबर्स देखते हैं और फिर उनको लगता है ये सारे नंबर्स एंजल्स उनको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंजल्स आपको कंफ्यूज नहीं करते कि हाँ इसको ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा। वो एक नंबर दिखाएंगे, वो भी ड्रीम में दिखाएंगे, और जो नंबर ड्रीम में ज़्यादा नज़र आए उसको ही रियलिटी में दिखने के बाद आप काउंट किया कीजिए, है ना। कई लोग हर नंबर को नोटिस करते हैं और फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनकी पूरी लाइफ ही उलझ जाती है। ऐसी सिचुएशन में एंजल्स आपको क्यों डालेंगे, वो आपके दुश्मन थोड़ी है। सो साइंस वो होते हैं, जैसे कि आपको कोई बहुत ही क्लियर कट ड्रीम दिख गया कि समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, या कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आपको ड्रीम में सपने में नज़र आई, आप सपना देखकर उठे और उसके 3-4 दिन के अंदर या 5-6 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो आप उसको डिकोड कर सकते हैं कि अच्छा, मेरी लाइफ में ये होना था इसलिए सपने में मुझे ये चीज़ें दिख रही थी। या कभी कभी आप बहुत ही खूबसूरत सपना देखते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख लिया कीजिए जो चीज़ें आपको याद रहती हैं। इसी तरह नंबर्स भी आपको गाइड करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है या बुरा है। कई लोग नंबर्स को सीधा अपने पार्टनर से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं कि ये नंबर दिख रहा है मतलब मेरा पार्टनर आएगा, ये नंबर दिख रहा है मतलब मेरा यूनियन होगा। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर को गाइड करना होगा तो वो पार्टनर को गाइड करेंगे, है ना। तो हर चीज़ को आप दूसरों से कनेक्ट मत कीजिए, कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं। सो आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो मैटर करता है। और अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है और आप बहुत सारे नंबर्स देख रहे हैं तो फिर ये सिर्फ एक आप नोटिस कर रहे हैं, कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। तो साइंस बहुत क्लियर होते हैं, और जब आपको कोई बड़ा कुछ नेगेटिव गाइडेंस दिया जाता है, कोई वार्निंग दी जाती है, तो कई बार बहुत गुस्से में आपको आपके एंसेस्टर्स नज़र आते हैं, कोई एनिमल्स बहुत गुस्से में नज़र आते हैं। उसके बाद अगर एनिमीज़ का कोई अटैक हो आपके ऊपर या सडनली कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ कोई तो दोष है, तो ये साइन हो गया। इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं। देन वी हैव पर्जिंग प्रोसेस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका जो पीस है, पीस ऑफ माइंड, वो डिस्टर्ब है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप घुट रहे हैं, आप पूरी तरह से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में आप अटक गए हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं आपको, तो कोशिश करिए रिलीज़ करने की। मेडिटेशन से रिलीज़ कर सकते हैं या फिर रो लीजिए। रोना इज़ अ बेस्ट रेमेडी। अगर आप अंदर से भरे हुए हैं और आप किसी के कंधे पर सर रख के रो लें, मंदिर में ही रो लें, तो भी आप बहुत लाइट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका सारा शरीर हल्का हो गया, सारा बोझ किसी ने उठा लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल कंधा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पता चला उसने आपको कंधा दिया और बाद में बाहर जाके 10 लोगों को बोला, अरे उसकी तो हालत बड़ी खस्ता है, अरे वो तो गया काम से। तो इससे बेटर है कि आप भगवान के कंधे पर सर रखें और भगवान के कंधे पर रो लें, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पेड़ पौधों से रो लें, वो भी कुछ नहीं कहेंगे, आपका पेट भी कुछ नहीं कहेगा। राइज अबव, यहाँ पर जो एनर्जी है, यू विल गेन क्लैरिटी ऑन दिस करेंट सिचुएशन व्हेन यू कैन सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। कई बार होता है कि पास की चीज़ों को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान कि अरे मेरा पार्टनर तो मुझसे 10 साल का रिलेशन था, 5 साल का रिलेशन था, उसने मुझे धोखा दे दिया, पक्का उसने नहीं दिया होगा, किसी ने कुछ करा कराया होगा। लेकिन जब वो थोड़े ऊपर से देखे, जैसे हम अपने पास से देखें तो हमें थोड़ी दूरी की चीज़ें ही दिखेंगी, लेकिन हम जब ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो हमें बहुत दूर की चीज़ें भी दिखेंगी। वैसे ही भगवान को, ईश्वर को, आपके
जो भी ईष्ट हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उन लोगों को दूर की सारी चीज़ें पता होती हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एनर्जीज पूरी लग जाती हैं कि हाय मेरा बच्चा, कहीं इसको कुछ ना हो जाए। और बच्चे को लगता है कि अरे मेरे से मेरी सिचुएशन दूर जा रही है, भगवान तो सुन ही नहीं रहे। लेकिन आपको भगवान बचाते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसका हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा, मतलब ये होना था, ये ऐसा व्यक्ति था, इसलिए भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर कल को आप उसको कोसेंगे भी नहीं, आप रोएंगे भी नहीं, आप थैंक यू कहेंगे, आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि चलो अच्छा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। कई बार आप कहीं बाहर निकलने वाले होते हैं, आपका बहुत बड़ा प्लान होता है कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, बट आप रोड पे निकले, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आप बाहर नहीं जा पाते। फिर जब आप घर आते हैं तो आप कोसते हैं कि यार पूरा दिन बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी फ़्लाइट छूट गई, कुछ भी। लेकिन बाद में आपको कभी पता चलता है कि अरे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, और आपको ऐसा लगता है अगर मैं गया होता तो मेरे साथ भी हो जाता। तो जो होता है, ऑलवेज ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो वो आपको धीरे धीरे एक एक पन्ने खुलते जाएंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मेरा हायर पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पूरी मेरे फेवर में थी, और मुझे पास से देख के लग रहा था कि सब खराब हुआ है, ऐसी सिचुएशन है। और ड्रीम्स जो हैं ये इस टाइम पे बहुत इंटेंस आएंगे आपको, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइप के ड्रीम्स आएंगे, और ये ड्रीम्स आपको लाइफ के आने वाले कुछ बड़े इवेंट्स के बारे में बताएंगे। 10-10 पोर्टल से लेके 12-12 पोर्टल तक ये जो ड्रीम्स हैं ये पूरे साल की इंडिकेशन दे देते हैं, पूरे साल की। आने वाला 2025 कैसा होगा आपका पर्सनली, ये आपको 2024 के 10-10 पोर्टल से लेके, मतलब 10 अक्टूबर 2024 से लेके 12 दिसंबर 2024 तक ये जो एनर्जी है ये बहुत इंटेंस और बहुत ही विविड ड्रीम्स आपको देखने मिलेंगे। चैनलिंग्स, डाउनलोडिंग्स, स्पेशली उन लोगों को जो थोड़ा भी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको ये चीज़ें 100% रेजोनेट करेंगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। Till then, take care. Bye-bye.